गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। लेट्स स्टार्ट अगेन आवर इंग्लिश बुक इंग्लिश वीव्स। इन दिस वीडियो वी अगेन कंटिन्यू आवर चैप्टर कॉन्क्योरिंग द हाइट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दिया था और हिलेरी और टेंजिंग के बारे में भी बता दिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द टू मैन क्लाइंब्ड अप टुवर्ड्स द समिट। दे पास द साउथ पीक एंड एट लास्ट 11:30 इन द मॉर्निंग दे रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। उन्होंने सुबह जल्दी ही चढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्लाइंब करना शुरू कर दिया समिट की तरफ, ऊंचाई की तरफ माउंट एवरेस्ट के। उन्होंने साउथ पीक को पार किया, देन 11:30 11:30 तक सुबह में दे रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट और वहां पे पहुंच गए। माउंट एवरेस्ट पे बोलो 11:30 पर पहुंच गए। दे वर ओवर एंजॉयड, वो बहुत खुश थे। दे वर द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वो पहले पीपल थे, पहले लोग थे जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड के टॉप के जो माउंटेन है उस पे पहुंचे। अराउंड देम ऑन एवरी साइड वर द ग्रेट हिमालयस, उनके चारों तरफ बहुत सारे हिमालयस थे। देयर वर द पीक्स ऑफ मकालू, चोयोयो, कंचनजंगा, लोटस एंड नेप्टस। वहां पे हर तरफ ढेर सारे पीक्स थे, बहुत सारी पहाड़ की चोटियां थी, जिसमें से मकालू, चोयो, कंचनजंगा, लोटस, नेप्टस, इस तरीके से बहुत सारे आसपास उनके पीक्स थे। इट वॉज अ साइट दे हैड नेवर सीन बिफोर, और ये ऐसा सीन था, ऐसा दृश्य था जो कि उन्होंने कभी अपने लाइफ में पहले नहीं देखा था। आप खुद एक इमेजिन करिए कि अगर आप उतनी ऊंचाई पे पहुंचते हैं, अगर आप क्लाइंब करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये उस टाइप का इनका एक्सपीरियंस था। दे स्टेड एट द समिट फॉर 15 मिनट्स, टुक फोटोग्राफ्स एंड एट मिंट केक, और वो वहां पे थोड़ा देर तक 15 मिनट्स तक वहां पे रहे और फोटोग्राफ्स खींचे, फोटो खिंचवाए एंड एट मिंट केक। और एट देखिए, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, ईट एट ईटन, ओके, मिंट केक, और उन्होंने मिंट केक भी खाया। देन दे क्लाइंब स्लोली एंड केयरफुली बैक डाउन टू देयर टेंट, और फिर वो धीरे धीरे वापस उतरने लगे अपने टेंट के पास। द टू मेन हैव बिकम फेमस, और वो दोनों लोग उसी टाइम से बहुत फेमस हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए। दे बोथ रोड बुक्स अबाउट देयर एडवेंचर, उन्होंने अपने एडवेंचर, पूरे एडवेंचर के बारे में बुक्स भी लिखा। टेंजिंग नॉर्गे लिव्ड इन दार्जिलिंग वेयर ही ट्रेन्ड पीपल टू क्लाइंब माउंटेन्स। टेंजिंग नॉर्गे जो थे वो दार्जिलिंग में रहने लगे और उन्होंने लोगों को भी माउंटेन्स पर क्लाइंब कैसे किया जाए सिखाना शुरू कर दिया। एडमंड हिलेरी वेंट बैक टू द हिमालयस मेनी टाइम्स, और एडमंड हिलेरी हिमालय वापस बहुत बार आए। टुडे विथ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ शेरपा गाइड्स, क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट वॉज इन 1952। आज के दौर में देखा जाए, आज के दिन में देखा जाए, प्रेजेंट कंडीशन देखा जाए तो माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत टफ अब नहीं रह गया है। अब इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट बन गए जिससे कि अब माउंटेन पर क्लाइंब करना बहुत इजी हो गया है, जबकि 1952 में ये बहुत डिफिकल्ट था। उस समय इतने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे। ईच ईयर टीम ऑफ क्लाइंबर्स ट्राई टू रीच द समिट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट ओनली अ फ्यू हैव बीन सक्सेसफुल। हर साल बहुत सारे क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही पहुंच पाते हैं, सब नहीं सक्सेस हो पाते अपने मिशन में। माउंट एवरेस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन, माउंट एवरेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है बट इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, लेकिन ये ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है। द वेदर चेंजेस क्विकली देयर, वहां पे वेदर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। समटाइम्स क्लाइंबर गेट लॉस्ट और स्लिप ऑन द आइस एंड फॉल, कुछ टाइम क्या होता है क्लाइंबर्स चढ़ाई करने वाले लोग जो होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, चढ़ नहीं पाते, माउंटेन से गिर जाते हैं। मेनी क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, और कुछ क्लाइंबर्स अपना लाइफ भी खो बैठते हैं, अपनी लाइफ से भी मतलब वहां पे वो मर भी जाते हैं माउंटेन क्लाइंब करने में। पास्ट, इन द पास्ट, हमारे पास्ट में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट वॉज अ वेरी क्लीन प्लेस, माउंट एवरेस्ट बहुत ही साफ सुथरा जगह था। बट मैनी माउंटेनर्स थ्रो लिटर ऑन द माउंटेन, लेकिन बहुत सारे माउंटेनियर्स जो है वहां पे कूड़ा फेंक दिए हैं,
माउंटेन साइड पे बहुत कूड़ा हो गया है. नाउ सम पार्ट्स ऑफ द माउंट एवरेस्ट आर डर्टी, इसलिए अब कुछ पार्ट्स माउंट एवरेस्ट का बहुत डर्टी हो गया है. क्लाइंबर्स ऑफन लीव एम्प्टी कैंस, पीसेस ऑफ टेंट एंड एयर कंटेनर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड. और क्लाइंबर्स क्या करते हैं, जो जूस का कैन होता है, पीसेस ऑफ टेंट, ये सभी वहां पे कूड़ा कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं. नाउ अ डेज देयर आर रूल्स फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स, और इसलिए अब यहाँ पे रूल्स बन गए हैं, कुछ रूल्स बन गए माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए. दे हैव टू ब्रिंग ऑल एम्प्टी कैंस, बॉटल्स एक्सेट्रा बैक विद देम. और अब उन्हें जितना भी वो सामान लेके जाएंगे, अगर वो एम्प्टी खाली भी हो जाएगा, अगर उनके किसी काम का भी नहीं रहेगा, तब भी उसे लेके आना ही वापस है अपने साथ, नहीं तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे. सम टीम ऑफ क्लाइंबर्स आर ट्राइंग टू क्लीन अप द माउंटेन. लेकिन ऐसे ही नहीं सभी लोग कूड़ा करें, सभी लोग गंदगी करें, ऐसा नहीं है. कुछ टीम है जो कि माउंटेन को क्लीन भी करना चाहती है. इन 1995 में एक टीम थी जिन्होंने 560 किलोग्राम 560 किलो का कूड़ा कैरी किया और वो वापस आए माउंटेन के नीचे, उतना माउंटेन को उन्होंने साफ किया. दीस क्लाइंबर्स वांटेड टू शो अदर्स दैट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम लिटर. और ये जो क्लाइंबर्स की टीम थी वो वर्ल्ड को दिखाना चाहती थी कि हमें खाली पहुंचना, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, मतलब कि जिस माउंटेन पे हम चढ़ रहे हैं उसका साफ सुथरा होना भी बड़ी बात है. ओके, जैसे आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे आप साफ सफाई चाहते हैं ना, उसी तरीके से जब ये लोग को माउंटेन पे भी साफ सफाई रखनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे इसका पीडीएफ और सेंड करूंगा, जिसे कि आपको अपने कॉपी में करना है. थैंक यू.